हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रवा उपमा। तो रवा उपमा बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कटोरी ली हूँ सूजी। अब चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो रवा उपमा बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म की हूँ। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी सूजी। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। तो देखिए, हमें इसे बिल्कुल चलाते हुए लो फ्लेम पर रोस्ट करना है सूजी को। तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। मैं सूजी को अच्छे से छान करके ली थी। तो देखिए, हमारा सूजी रोस्ट होने लगा है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून घी और इसे हम लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे इसमें। तो देखिए, हमारा रवा बिल्कुल दानेदार बन करके तैयार हुआ है। तो अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। हमारा बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल ली हूँ। अब मैं यहाँ पर ली हूँ सेम कढ़ाई। कढ़ाई तो हमारा गर्म ही है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 स्पून घी, 1/2 स्पून राई, 2-4 कड़ी पत्ता, 1 स्पून मूंगफली, 1 स्पून चना दाल, और इसे भी हमें रोस्ट करना है। तो देखिए, हमारा मूंगफली और चना दाल रोस्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची और एक टुकड़ा अदरक है, इसे भी मैं बारीक कट कर ली थी, और एक प्याज, इसे भी मैं बारीक कट कर ली थी, और ये मैं 2-4 ली थी बीन्स, इसे भी मैं बारीक कट कर ली थी। इसे भी हमें रोस्ट करना है। तो लो फ्लेम पर मैं इन सब सारी सब्जियों को भी रोस्ट करूंगी। तो देखिए, हमारा सब्जी भी रोस्ट हो गया। तो अब मैं इसमें डालूंगी टमाटो। इसे भी मैं 1 टमाटो ली थी, इसे भी बारीक कट कर ली थी। इसे भी हमें इसे थोड़ा देर इसमें रोस्ट करना है। तो हमारा सारा सब्जी रोस्ट हो गया। तो अब मैं इसमें डालूंगी 3 कटोरी पानी। तो मैं इसी कटोरी से 1 कटोरी रवा ली थी, उसी कटोरी से मैं 3 कटोरी पानी डाली हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके, और इसमें मैं डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 स्पून ब्लैक पेपर। अब मैं ढक्कन लगाऊंगी और उसे एक बॉईल होने दूंगी। देखिए, हमारा पानी बॉईल हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और मैं यहाँ पर ली हूँ 1/2 लेमन। मैं इसका जूस इसमें निचोड़ दूंगी। मैं यहाँ पर ली हूँ 2 हरी मिर्ची, जिसे मैं स्लाइसिस में कट की हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी यहाँ पर रवा। देखिए, हमारा रवा बिल्कुल दानेदार हुआ है, इसमें एक भी लम्स नहीं होगा। बिल्कुल अच्छे से चलाते हुए हमें इसे मिक्स करना है। तो देखिए, कितना बढ़िया, कितना परफेक्ट हमारा रवा उपमा बन करके रेडी होगा। देखिए, हमारा रवा उपमा बन करके रेडी हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी धनिया पत्ती, और इसे ढक्कन लगा करके हम इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि हमारा रवा उपमा बिल्कुल अच्छा एकदम सॉफ्ट होगा। तो देखिए, 10 मिनट हो गए, हम इसे ढक्कन हटा करके आपको दिखाते हैं। देखिए, कितना दानेदार बन करके हमारा रवा उपमा तैयार हुआ है। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 स्पून घी, और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करूंगी। तो देखिए, हमारा रवा उपमा बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए, कितना दानेदार बन करके रेडी हुआ है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने घर में बनाकर एक बार जरूर से ट्राई करें। थैंक यू, बाय।